वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं नाइन्थ क्लास का साइंस लेकर आया हूँ, जिसका चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आई मीन सेल का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा, और सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो फेमस वर्ड है इसके लिए जो यूज होता है। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ये रड शेप होता है। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये रड शेप होगा, लेकिन टू मेम्ब्रेन का होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा पोरस होता है, कहीं कहीं पे छेद भी होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तो ये पोरस होता है। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग के साथ होता है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे इस तरह से फोल्डिंग्स बने होते हैं, इनवर्ड फोल्डिंग होता है। इनवर्ड फोल्डिंग से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण इसका रेस्पिरेशन में और ज्यादा ये हेल्प करने लगता है। ओके, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, इसमें ये इनवर्ड फोल्डिंग जो है, इस फोल्डिंग के लिए हम अलग नाम देते हैं, और ये हो गया क्रिस्टेल। इसका सरफेस एरिया बढ़ाने में बहुत हेल्प होता है, और यहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होता है। इसके अंदर और क्या क्या होते हैं, तो इसके जो भी लिक्विड मटेरियल है, जेली लाइक जो होंगे, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर के सिंपली जो लिक्विड है उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैट्रिक्स। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका खुद का अपना डीएनए, यानी कि डीएनए होता है, और इसमें अपना राइबोसोम भी होता है। दो मटेरियल स्पेशल हो गया इसका, ये हो गया डीएनए, और दूसरी बात हमने लिखा राइबोसोम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, रड शेप, जनरली रड शेप या ओवल मिलता है। ओके, ये हमने लगभग ओवल बनाया, थोड़ा सा और लंबा हो जाए तो रड शेप भी मिलता है। दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हल्का सा पोरस होता है, पोर्स होते हैं बहुत जगह जगह पे, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होता है, इनर मेम्ब्रेन में इनवर्ड फोल्डिंग। ओके, उसके बाद उस इनवर्ड फोल्डिंग को क्रिस्टेल कहते हैं। अंदर में जो जेली लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसमें डीएनए होते हैं, डीएनए और राइबोसोम होता है, डीएनए और राइबोसोम। ये हुआ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। किसी एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एक आउट ऑफ सिलेबस की बात जो आपको बता दें, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमें एनर्जी देता है, ये हमको फादर से नहीं मिलता है, ओनली मदर से मिलता है। ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें सिर्फ और सिर्फ मदर से मिलता है। ओके, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसके सेलुलर कंडीशन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है। अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल का ये लार्जेस्ट, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में ये लार्जेस्ट रहेगा। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स लार्जेस्ट हो जाता है, वैक्यूल भी उसमें बड़ा बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। न्यूक्लियस को छांट के हम बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में लार्जेस्ट हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे रड शेप माइटोकॉन्ड्रिया जगह जगह पे होंगे। ओके, तो होता क्या है, जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाते हैं, सेल्स में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद फाइनल इसमें जब अंदर जाता है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट जो पाइरूविक एसिड है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है बहुत
हाई अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेनली क्या हुआ, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन उस लेवल में आप लोगों को नहीं जानना है, लेकिन आप मोटे तौर पे ये जान सकते हैं कि ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, रेस्पिरेशन से या ऑक्सीडेशन से। तो जब इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी, ऐसा नहीं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो उसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है वहां हाई अमाउंट में एनर्जी होता है। यहां तक कि हम लोग का मसल्स जहां पे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा और इस तरह से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हमने बताया ये सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें और सारे भी बहुत सारे, रेटिकुलम है आपको, गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम भी होगा, तो लाइजोसोम से तो बड़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, माइटोकॉन्ड्रियम होता है एक के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सारे के सारे इनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस पे डिपेंड करेगा कि उसका वहां पे इनर्जी कितना फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे बाइसेप्स का मसल्स है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, और जहां पे इनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है वहां पे उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, फंक्शन था। अब मैं इसको राइट डाउन कर दे रहा हूं कि इसका क्या क्या फॉर्मेशन है। मेन इसका फंक्शन हुआ एटीपी का फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन इसका लिख दिया है। पहला फंक्शन क्या है कि इट रिलीज इनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी के फॉर्म में इनर्जी रिलीज करता है और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। व्हाट इज एटीपी, एटीपी इनर्जी करेंसी है। इनर्जी हमारे बॉडी में जो इनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और दूसरा इसका मेन प्रॉपर्टी ये है कि इसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, और डीएनए राइबोसोम जरूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब चूंकि इसमें बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनेल, दैट इज व्हाई ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। आई मीन कि इट हैज, इट कंटेन बोथ डीएनए एंड राइबोसोम। तो जब ये दोनों है तो प्रोटीन बनाने के लिए यही दो चीज मेनली जरूरी होता है, डीएनए और राइबोसोम। दैट इज व्हाई इट कैन, दस इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन, दस इट कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ओनली मदर से आता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी जो होता है वो सिर्फ मदर से आता है। बाकी सारे डीएनए में फादर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ओनली मदर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो बस यही हो गया कि इसे पावर हाउस कहते हैं और ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। ओके, ये जस्ट एज ए बैक्टीरिया इस सबकी तरह खुद से अपना प्रोटीन बनाता है, डिवाइड भी खुद से कर लेता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में बाय डिफ्यूजन से कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपके स्टैंडर्ड के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।